लालू यादव ने नीतीश सरकार पर कसा तंज, ट्वीट कर आत्मनिर्भर बिहार को लेकर नीतीश कुमार पर साधा निशाना। चिराग पासवान का जन्मदिन आज, तेजस्वी यादव ने दी लोजपा अध्यक्ष को जन्मदिन की शुभकामनाएं। शुभकामनाएं हैं और हमने तो पहले भी कहा था कि ये जो दौर है उनके लिए बहुत एक कठिन दौर है। आज जब जरूरत उनके पिता की थी तो आज उनके साथ पिता खड़े नहीं है। अरवल में पुलिस विभाग को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 3,325 लीटर कच्ची शराब की बरामद, वहीं 6 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर भेजा जेल। भागलपुर में नल जल मामले में ठेकेदार बंधुओं के घर पर आईटी विभाग ने की छापेमारी, मौके से आईटी विभाग ने कैश, जेवरात और बेनामी संपत्ति के कागजात किए बरामद। सहरसा के तिवारी चौक के पास आरएम कॉलेज में दो गुटों में हुई गोलीबारी, गोलीबारी में एक की हुई मौत, दूसरा घायल, वहीं घायल का निजी नर्सिंग होम में चल रहा इलाज, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हमारा भाई को गोली मार दिया है। कैसे, क्या कैसे, किस समय? रंगबाजी दिखाता है, आरके सिंह को देता है कमीशन, रंगबाजी शहर में पिस्टल टांग करके तब घूमता है। कौन लोग थे वो लोग? अपने टोले के हैं। देखिए, मिक्की चौबे नाम का व्यक्ति था जिसे गोली लगी है, और गोली मारने वाले जो व्यक्ति थे उनका आशीष मिश्रा नाम, और उनके साथ और भी कुछ लोग थे। अभी जो मिक्की चौबे थे उनका उनकी जो मृत्यु हो गई, साथ ही जो अन्य व्यक्ति घायल हैं उनके घुटने में जो है हमने देखी कि कुछ खून बह रहा था, जख्म था, तो उनका इलाज चल रहा। जहानाबाद में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने एक युवक को स्मैक के साथ किया गिरफ्तार, मौके से 3 आरोपी हुए फरार, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। लड़का कह रहा है कि अपना नाम बता रहा है कि हम शांति नगर से आए हैं, हम एक टीम हम लोग का है जो हम लोग सब जगह जो कॉल करता है उसके पास लेके जाते हैं, बेचते हैं। देखिए, इतना बड़ा रैकेट यहाँ चल रहा है कि मैं प्रशासन निकम्बी की तरह एक घंटा दो घंटा से हम लोग धर के इसको बैठे हुए हैं, 4 और भाग गया। भागलपुर के नौगछिया में दिखी पुलिस की बर्बरता, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बेरहमी से की पिटाई, इलाज के दौरान हुई घायल की मौत। हम लोग सर भमरपुर से आ रहे थे, वहाँ पे चेकिंग चल रहा था पुलिस का मान थान, तो वहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा था, उसने इसको हाथ दिया रोकने के लिए, तो गाड़ी थोड़ा सा इन्होंने आगे बढ़ा दिया, बस दरोगा आके इनको गाली देने लगा, बस इस बात का इसने विरोध किया, बस मारने लगा इसको वहीं पे, थोड़ा धक्का मुक्की से हो गया, इसको यहाँ से थाना पकड़ के लेके गया और थाना में बांध के बहुत मारा, और थाना किसी को सर जाने नहीं दे रहा था अंदर। हम गए दूसरा बार, हम वीडियो भी बनाना चाहे, मेरा मोबाइल फेंक दिया गया पानी में। रोहतास जिले के सासाराम के करवंदिया पंचायत में पंचायत चुनाव के मतगणना में गड़बड़ी का मामला, मामले पर हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, करवंदिया के पंचायत के मुखिया के चुनाव में मतगणना का रिकाउंटिंग का दिया आदेश, साथ ही मतगणना में गड़बड़ी करने वाले 51 लोगों पर मुकदमा भी किया दर्ज। पूरा करप्ट प्रैक्टिसेस हुआ है और गलत तरीके से प्रिया कुमारी को मुखिया बनाया गया, इसके खिलाफ हम लोग हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट से आदेश आया कि 1 महीने के अंदर आप रिकाउंटिंग कराएं। जब रिकाउंटिंग कराने के लिए ऑर्डर आया तो सारा पेपर ही गायब, सब मिलजुल के पेपर गायब करा दिया गया। उसमें रिटर्निंग ऑफिसर थे, अभी समस्तीपुर के DM है, उनके खिलाफ भी सोकाउज हुआ है और 56 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ। अभी हम लोग कोर्ट में इसलिए आए हैं कि हम लोग जो नेक्स्ट कैंडिडेट है करप्ट प्रैक्टिसेस में, एज पर कानून हमको डिक्लेयर करना है मुखिया, अभी तक वो मुखिया डिक्लेयर नहीं हुआ है, इसी के लिए आज हम लोग कोर्ट में केस फाइल।